आप और हमारी तरह एक आम आदमी जिसको मैक्सिमम 7,000 तक की ही पेंशन मिल पाती, आज की डेट में 30,000 रुपए पेंशन ले रहे हैं। प्रवीण कोहली ने 1996 के ईपीएफ एक्ट में अमेंडमेंट का फायदा उठाते हुए किया ईपीएफ इंडिया पर केस, जो कि वो जीत गए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ईपीएफ इंडिया को हर महीने मिस्टर प्रवीण कोहली को 30,000 रुपए पेंशन की फॉर्म में देने पड़ते हैं आज भी। तो ऐसा क्या था वो 1996 का अमेंडमेंट, किस तरह से प्रवीण कोहली ने ये केस जीता, इस स्कीम में काफी सारे प्रवीण कोहली जैसे और लोग एलिजिबल हैं पर उनको इन स्कीम के बारे में पता नहीं है। अगर पता चल जाए प्रवीण कोहली की तरह अपनी पेंशन बढ़वा लें तो ऐसा भी कहा जाता है कि ईपीएफ डिपार्टमेंट पूरी तरह से बैंकरप्ट हो सकता है। तो ऐसा क्या किया प्रवीण कोहली ने और कैसे आप भी अगर एलिजिबल हैं तो ये फायदा उठा सकते हैं, जानने के लिए देखते रहिए लेबर लॉ एडवाइजर। मेरा नाम है मंदीप और आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन दबाइए ताकि ये ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप कभी भी मिस ना करें। तो दोस्तों आइए समझते हैं मिस्टर प्रवीण कोहली की आखिर कहानी क्या है, क्या किया इस व्यक्ति ने ऐसा जिससे इसकी पेंशन इतनी गुना बढ़ गई और क्या आप भी उस स्कीम का फायदा उठा सकते हो। दोस्तों 1995 में ये ईपीएस की स्कीम आई थी, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और आज की डेट में इस स्कीम में न्यूनतम जो पेंशन मिलती है वो 1,000 रुपए और अधिकतम जो पेंशन मिलती है वो 7,500 रुपए है। तो किसी व्यक्ति की पेंशन 30,000 रुपए कैसे हो सकती है? तो उसके अंदर एक छोटा सा क्लॉज था जो 1996 में पीएफ डिपार्टमेंट ने ईपीएस की स्कीम में ऐड किया था। उसके अंतर्गत पीएफ डिपार्टमेंट ने यह बोला कि यदि आपकी बेसिक वेजेस पीएफ की लिमिट से ज्यादा है, जो पहले लगभग 6,500 रुपए, उससे पहले 5,000 रुपए और अब बढ़कर 15,000 रुपए हो गई है, यदि आपकी बेसिक प्लस डीए इससे ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, आप अपनी बढ़ी हुई बेसिक पर भी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड यानी वॉलेंट्री तरीके से पूरा पीएफ जमा करा सकते हो। इसके लिए ऑब्वियसली आपको अपने एम्प्लॉयर की भी परमिशन लेनी होगी और यदि वो एग्री करता है इस बात पे तो अब अपना बढ़ा हुआ पेंशन वॉलेंट्री पेंशन आप जमा करा सकते हो। एक्स्ट्रा पेंशनेबल इनकम, आपकी जो पेंशनेबल इनकम है वो 6,500 से बढ़कर 10,000 रुपए या इवन उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो जो मिस्टर कोहली हैं उनकी बेसिक वेजेस मान लीजिए लगभग 50,000 रुपए के आसपास थी, तो वो हर महीने 50,000 का 8.33% लगभग 4,500 रुपए ईपीएस में जमा करा सकते थे। लेकिन 1996 एक ऐसा जमाना था, इंटरनेट था ही नहीं, यूट्यूब नहीं था और लेबर लॉ एडवाइजर भी नहीं था लोगों को जानकारी देने के लिए, तो ऐसे में ज्यादा लोगों को इस स्कीम के बारे में पता ही नहीं चला, बहुत नगण्य कुछ मामूली लोगों को स्कीम के बारे में पता चला जिन्होंने इसका फायदा उठाया और हायर बेसिक अपनी वेजेस पर पेंशन का अमाउंट पे किया। जब 2005-2006 में ये बात लोगों तक पहुंचने लगी तब बहुत सारे लोगों ने ईपीएफ को अप्रोच किया कि उन्हें भी हायर वेजेस पर अपना पेंशन ईपीएस स्कीम में पैसा जमा कराना है, लेकिन तब ईपीएफ डिपार्टमेंट ने किसी को भी अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला कि नहीं, अब तो बहुत समय हो गया है, ये तो 1996 की स्कीम है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना था, अब आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में उन लोगों ने दरवाजा खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का। तो ऐसे में जो मिस्टर प्रवीण कोहली है जिन्होंने पहले से इस पे केस लगा रखा था, वो ये चाहते थे जो अपनी प्रीवियस वेजेस का बढ़ावा कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ डिपार्टमेंट को दें और अपनी पीएफ वेजेस को बढ़ा लें, जिसे पीएफ डिपार्टमेंट ने पहले इनकार कर दिया गया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ गई तो पीएफ डिपार्टमेंट के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें अलाउ करना पड़ा मिस्टर कोहली को कि हाँ कोई बात नहीं, अब अपनी बढ़ी हुई बेसिक पर हमें ईपीएस पे कर दीजिए और उस हिसाब से जो भी आपकी पेंशन होगी वो बढ़ जाएगी। तो मिस्टर कोहली ने लगभग 15.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा ईपीएस फंड में जमा कराए, 15,32,000 टू बी प्रिसाइज। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी, क्योंकि उनकी 4 साल पहले से पेंशन शुरू हो गई थी तो उनको लगभग 12.25 लाख रुपए का तो वापस एरियर भी मिल गया डिपार्टमेंट से, तो इफेक्टिवली उन्हें मात्र 2.25 लाख रुपए एक्स्ट्रा पीएफ फंड में जमा कराने पड़े, एक्स्ट्रा पेंशन फंड में जमा कराने पड़े और उनकी पेंशन हो गई 2,372 से स्टैगरिंग 30,500 रुपए। पीएफ डिपार्टमेंट इस बात से घबरा गया, सितंबर 2014 के बाद तो उन्होंने ये जो क्लॉज था वो अपने इस बुक से हटा ही दिया।
क्योंकि ये स्कीम इतनी जबरदस्त है, इतनी ज्यादा फायदेमंद है कि यदि पीएफ डिपार्टमेंट सबको बढ़ा हुआ पेंशन देने लग जाए तो पीएफ डिपार्टमेंट के बर्बाद होने के चांसेस हैं। तो ऐसे में ये स्कीम तो हटा दी गई, लेकिन वो लोग जो पीएफ डिपार्टमेंट में जुड़ चुके थे, जिनका पीएफ कटने लग गया था सितंबर 2014 से पहले, उनके पास चूंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ चुकी है, उनके पास ये ऑप्शन है, जो पुराना उनका ईपीएस का अमाउंट है उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके, उसका एरियर एक तरीके से पीएफ डिपार्टमेंट को पे करके, क्योंकि पहले जो एक्स्ट्रा पैसा होता था यदि आप हायर बेसिक पे भी पे कर रहे हैं तो आपका ईपीएस में तो एक लिमिटेड फंड ही जाता था, बचा हुआ पैसा आपके प्रोविडेंट फंड में चला जाता था, तो प्रोविडेंट फंड से वो पैसा आप अपने ईपीएस फंड में डलवा कर हायर पेंशन इंजॉय कर सकते हैं। ऑल्सो ये स्कीम उन लोगों के लिए नहीं है जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी उनका जो पीएफ का पैसा है वो पीएफ डिपार्टमेंट मैनेज नहीं करता, कोई और दूसरा ट्रस्ट मैनेज करता है, तो उनमें यदि आप कवर्ड हैं तो आपके लिए तो स्कीम है नहीं। लेकिन यदि आप पीएफ में कवर्ड हैं तो देर इज अ चांस कि आपको हायर पेंशन मिल सकती है। इसके लिए आपको अपने एम्प्लॉयर के थ्रू पीएफ डिपार्टमेंट में अप्लाई करना होगा, उन्होंने बोलना होगा कि हम अपने हायर पेंशन पाना चाहते हैं और हायर कॉन्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं ईपीएस में, पेंशन फंड में। लेकिन दोस्तों बड़ी इस बात में आपको कठिनाई आने वाली है, और पीएफ डिपार्टमेंट मोस्टली इसको अलाउ करता नहीं है, आसानी से अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल लेबर लॉ एडवाइजर के पास, ऐसी इंपॉर्टेंट और अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। थैंक यू।